हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मेधा एंड वेलकम बैक टू मेधा शर्मा मेकओवर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको अपने चैनल पर दिखाने वाली हूँ कि मल्टी स्टेप हेयर कटिंग हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरी मम्मी है जो कि हेयर कट कर रही है। तो आज मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप मल्टी स्टेप कटिंग हेयर कटिंग सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको कटिंग सी पेयर करा देना है, फिर अच्छे से बालों में आपको वाटर का स्प्रे करना है ताकि बाल जो है हमारी अच्छे से वेट हो जाए। वेट हेयर में हेयर कटिंग ज़्यादा अच्छे से होती है, तो बाल को जो है आपको अच्छी तरीके से गीला करना है पहले। उसके बाद अगर आपको थ्री स्टेप करना है तो आप दो क्लचर ऊपर में डालें और एक नीचे रहने दें। और अगर मल्टी स्टेप करना है तो आप देख सकते हैं, थ्री लेयर ऊपर क्लच कर दिया गया है एंड लास्ट का लेयर जो है उस पर काम हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको नीचे के हेयर को लेके पूरे हेयर को और टर्न हेयर को करके आपको बिल्कुल इक्वल कर देना है। आपको अपने क्लाइंट से पूछ लेना है या फिर जिसकी भी हेयर कटिंग कर रहा है, आपको पहले उससे पूछ लेना है कि मैम आपको कितनी लेंथ चाहिए, कितनी लेंथ आपको कम करानी है। तो आपकी क्लाइंट जितना बोले आप उतना ही करें, उससे थोड़ा सा बड़ा ही रखें, नहीं तो बाद में वो जो है ना हेयर कटिंग को इक्वल करने में थोड़ा बहुत और छोटा हो जाता है। तो इसलिए जितना क्लाइंट बोले आप उससे एक इंच बड़ा ही रखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ कि आपको नीचे 30 डिग्री जो एंगल है 30 डिग्री पे आपको क्या करना है, इक्वल हेयर कटिंग करना है। फिर उसके बाद जो है आपको 45 डिग्री पे हेयर को ले जाना है, 45 डिग्री पे आपको थोड़ा सा टर्न करके एंड आपको कटिंग कर देना है। एंड लास्ट जो है आपको फिर से पूरे हेयर को ले जाके ऊपर में 90 डिग्री पे कट करना है। तो वो कटिंग हो गया, सेकेंड स्टेप जो खुला है हमारा। तो सेकेंड स्टेप को भी आप देख सकते हैं, फिर जो ये क्लाइंट थी ये बोली कि नहीं मेरे को थोड़ा सा और छोटा चाहिए था, इसलिए फिर से कटिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं फिर से कैसे कटिंग हो रही है। तो ट्रिक यही है, ये बहुत आसान वाली ट्रिक है। इस ट्रिक से करेंगे तो बहुत अच्छी कटिंग होगी एंड बहुत जल्दी भी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको 30 डिग्री पे कट करना है हेयर को, बस इक्वल कटिंग करते जाना है। आपको 30 डिग्री पे कट कर रहे हैं, फिर 45 डिग्री पे करना है एंड लास्ट 90 डिग्री पे आपको कट करना है। तो डिग्री अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको डिग्री वाली जो कोर्स है वो प्रॉपर में बता दूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सेकेंड जो मैंने क्लच किया था सेकेंड स्टेप को, नीचे से सेकेंड स्टेप को उसको खोल के एंड फिर से वही ट्रिक करके आपको फिर से हेयर कटिंग करना है। पहले इक्वल करना है, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री। पहले ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बाल को एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाना है, हाथ को जो है थोड़ा सा टर्न करना है एंड देन इक्वल कटिंग करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे हेयर कटिंग करना बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से ऐसे आप हेयर कटिंग कर सकते हैं। एंड ये वाली कटिंग इतनी अच्छी हुई थी कि जो मेरी क्लाइंट थी ये भी बहुत खुश थी, और सच में ये वाली कटिंग जो है बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिख रही थी। तो ये वाली हेयर कटिंग आपको भी करानी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं प्रियंका ब्यूटी पार्लर मोतिहारी में। तो हमारा दो ब्रांच है, जो कि एक ब्रांच जो है हमारा फर्स्ट ब्रांच अगरवा मोहल्ला में है, जो कि सीएल झा का हॉस्पिटल है, सीएल झा का क्लिनिक है उसके बगल में है। एंड मेरा जो सेकेंड ब्रांच, तो सेकेंड ब्रांच जो हमारी है वो चंदमारी मोहल्ला में है, चंदमारी में जो लाल बंगला है जस्ट उसके बगल में ही प्रियंका ब्यूटी पार्लर है। तो आप दोनों जगह से कहीं भी हमारे से कांटेक्ट करना हो तो आप दोनों जगह में से कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको ब्यूटीशियन से रिलेटेड बहुत तरह के वीडियो मिल जाएंगे, धीरे धीरे मिलेंगे लेकिन बहुत तरह के वीडियो मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए ब्यूटीशियन से रिलेटेड। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए एंड ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो को देखने से मिस ना हो। तो आप देख सकते हैं जैसे आपको फर्स्ट स्टेप करना है कटिंग, वैसे ही सेकेंड स्टेप करना है, वैसे ही थर्ड स्टेप करना है एंड वैसे ही लास्ट वाली स्टेप करना है। लेकिन थोड़ी सी यूनिक है ये वाली कटिंग। तो आप देख सकते हैं जो थर्ड स्टेप तक है वो बिल्कुल सेम ही होगी, लेकिन जो फोर्थ स्टेप है वो थोड़ी सी हम अलग करके दिखाएंगे आपको।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मेरी मम्मी कटिंग कर रही, हेयर कटिंग बहुत अमेजिंग हेयर कटिंग हुआ था, सीरियसली गाइस बहुत ही अमेजिंग कटिंग हुआ था। तो ये वाली कटिंग आपको कराना ही हो तो आप प्रियंका ब्यूटी पार्लर जरूर कॉन्टेक्ट करें। तो आज मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और भी किस टाइप की वीडियो आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और मेरी वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी वीडियो को देखें। एंड थैंक्स इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, आप सबों का बहुत 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 थैंक यू। एंड आप देख सकते हैं जहाँ पे भी आपको बड़ी थोड़ी सी लग रही है वहाँ की आपको हेयर जो है उतनी उठा के एंड जैसे आपको स्ट्रेट करके और टर्न करके कटिंग कर देना है। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी लेयर बनते जा रही है, स्टेप बाई स्टेप लेयर बनते जाएंगी। एंड ये रही लास्ट की स्टेप। लास्ट की स्टेप सबसे पहले आपको नीचे ला के इक्वल हेयर कटिंग कर देना है। देख सकते हैं इक्वल कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से 30 डिग्री पे, यहाँ पे देख सकते हैं 30 नहीं, आपको डायरेक्ट 90 डिग्री पे उठाना है, ये पूरा ऊपर ले 90 डिग्री पे आपको क्या करना है कि ले जाके इक्वल कटिंग कर देना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, थोड़ा सा नीचे करना है एंड ये फ्लावर स्टेप में बनाना है। आप देख सकते हैं मुट्ठी बंद करके फ्लावर स्टेप में हेयर को चारों तरफ से गिराना है एंड देन उसको इक्वल कर देना है, फ्लावर गोला सा एकदम बिल्कुल हो जाए उस टाइप से आपको करना है। उसके बाद आप ऐसे फ्रंट में करके एंड फिर इक्वल कटिंग करें, फिर उसको पूरा को टर्न करें आगे की तरफ से एंड उसको कट करें। तो आप देख सकते हैं ये हमारी लगभग फाइनल स्टेप हो गई एंड देख सकते हैं कितनी प्यारी लेयर दिख रही है, कितनी ज़्यादा लेयर दिख रही है। तो यही हमारा मल्टी लेयर मल्टी स्टेप हेयर कटिंग। एंड जहाँ जहाँ आपकी थोड़ी सी लग रही है आपको कि थोड़ी सी बड़ी दिख रही है या फिर थोड़ी सी अनइक्वल दिख रही है, तो आप वैसे ही सेम आपको ऊपर ले जाके टर्न करके 45 डिग्री 90 डिग्री पे फिर से उसको कट कर देना है। तो वैसा होने के बाद लास्ट में क्या करना है कि आपको कॉम्ब अच्छे से करने के बाद आपको नीचे से जो है थोड़ी सी डीप यू की शेप देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग होने के बाद ये थोड़ी सी नीचे की जो है ना अनइक्वल हेयर उसको हम इक्वल करेंगे यू शेप में। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लेयर दिख रही है, कितनी अच्छी दिख रही है। और ये तो अभी गीला बाल है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ये सूखने के बाद सीरियसली गाइस बहुत ही अमेजिंग दिख रही थी मेरी, मतलब क्लाइंट इतनी ज़्यादा खुश थी इस हेयर कटिंग को देख के, बहुत ही खुशी हो रही थी और मुझे भी खुशी हो रहा था क्योंकि काम अच्छा होने के बाद कस्टमर को खुशी होता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को तो और ज़्यादा खुशी होती है इस बात से। तो मेरी कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत अच्छा लगा था उनको हेयर कटिंग। तो आपको भी कराना हो तो अभी ज़रूर विजिट करें प्रियंका ब्यूटी पार्लर में, और मेरी वीडियो को देख के आप घर बैठे सीख सकते हैं कि कैसे हेयर कटिंग करते हैं, कैसे फेशियल करते हैं, कैसे ब्लीच करते हैं, कैसे वैक्सिंग करते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू आप। तो बस बने रहिएगा मेरे चैनल पे। एंड ये रहा फाइनल का लास्ट लुक, अब देख सकते हैं कितनी प्यारी दिख रही है, कितनी ये दिख रही है। और मेरे पार्लर में तो आजकल थोड़ी सी रस है, ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रही है, तो इसलिए मैंने इनके बालों को अभी तो बिल्कुल सेट भी नहीं किया है, नहीं तो ये सेट होने के बाद और भी ज़्यादा प्यारी दिखती है। तो ये सेट नहीं है अभी, तो बिल्कुल कटिंग हुआ है, वैसा ही हेयर है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी प्यारी दिख रही है, देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है, कितना लेयर दिख रहा है एकदम से मल्टी लेयर। तो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, जरूर लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।